सुबह ही उसको बंद हुआ था, मतलब थोड़ा हुआ था, बाद में उसको स्कूल था, उन लोग का ड्राइंग कंपटीशन 3 दिन का था, बाद में वो ऐसा ही स्कूल गया, बाद में दोपहर में आया वो, बाद में मैं बोला उसको पेशाब हुआ, वो बोला नहीं हुआ, बाद में उसको मैं 1 लीटर जैसा पीने को पानी दिया, फिर भी नहीं हुआ उसको, बाद में मैं 3:30 बजे उसको गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लेके गया बाड़ी में, उधर डॉक्टर चेक किया और बोला उसको एडमिट करना चाहिए मडगांव में, 3 दिन एडमिट करना चाहिए उसको, ऐसा बोला। बाद में मैं बाहर आके, मैं वो नहीं सोचती डॉक्टर ने एडमिट करने को बोला, मैं ये सोचती हूँ आज मैं हॉस्पिटल में गई तो शाम को मैं आराधना नहीं, मेरा ये मिस हो जाएगा, वही मैं सोचने लगी। बाद में मैं अपने पति को फोन किया, तब पति बाद में बोला मेरे को प्राइवेट हॉस्पिटल में उसको लेके जाओ, बाद में मैं, हमारा कानपुर में प्राइवेट डॉक्टर है, मैं उधर उसको लेके गई, डॉक्टर बोला एम्बुलेंस को मैं बुलाता हूँ, बाद में मैं बोली नहीं हम लोग प्राइवेट गाड़ी में जाएंगे, एम्बुलेंस नहीं चाहिए हमको, परमेश्वर की महिमा देखो, उस दिन उस टाइम उधर एम्बुलेंस भी नहीं था, बाद में डॉक्टर बोला मैं 1/2 घंटे में एम्बुलेंस आपको मडगांव से बुला के देगी, बाद में मैं बोला नहीं चाहिए मेरे को एम्बुलेंस, मैं प्राइवेट गाड़ी में जाएगी, बाद में मैं कानपुर में बस में मैं चढ़ी, मेरा पति नहीं था, बहुत दूर काम को गया था वो, बस में चढ़ी, बाद में मैं ना सीट मिला मेरे को, मैं बैठी, बाद में मैं उधर प्रेयर किया, मैं आज बोला आज मैं कुर्स पे चढ़ा था भगवान, हमारे लिए आपने मेरे बेटे का बलिदान आपने कुर्स पर लिया है, मैं बस से उतरेगी ना तब भी मेरा बेटे को पेशाब होगा, मैं वही विश्वास किया और आराधना ऐसा करके बैठी मैं, बस से मैं उतरी, बाद में मेरा लड़का को मैं बोली पेशाब होता है, वो बोला नहीं होता है, मैं बोली मैंने अभी परमेश्वर से बात की है तो आपको पेशाब होगा, आप पेशाब करो, ऐसा मैं लड़का को बोली, बाद में वो नहीं होता है मम्मी ऐसा बोला, मैं बोला ट्राई करो हो जाएगा, तब भी उसको ट्राई किया पेशाब हो गया उसको, इसलिए प्रभु को मैं धन्यवाद देती हूँ, थैंक यू जीसस। अभी आपने सिस्टर ने भी बोला है, पास्टर ने, प्रभु हमारे साथ रहता है हरदम, हम लोग बुलाने की जरूरत है परमेश्वर को, धन्यवाद जीसस। हम आज का दिन क्या बोल के सेलिब्रेट करते हैं, आज का दिन हम क्या बोल के सेलिब्रेट करते हैं, बोलो उसको, बोलो ना आज का दिन क्या है, आज का दिन क्या है, जीसस का बर्थडे है, बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं आज, आज बोलो ना बर्थडे है उसका पुनर्जीवन, पुनर्जीवन का दिन आज हम मनाते हैं, हालेलुया, हालेलुया। अगर जोरत और जेसु अगर यीशु जीवो जाइनास लो जाल्यार जी उठा नहीं होता तो जरा हमका काय फायदा चे नासले, तो हमको कुछ फायदा नहीं था उसका, संसारान जायते देव असात मुनमुनी शिकोयता धर्म शिकोयता, संसार में बहुत सारे ईश्वर है बोल के हमें धर्म सिखाता है, पर कौन तोरी एकलो जीवन जाला, पर कोई तो एक जिंदा हुआ है हमारा भगवान जो हम मानते हैं संसार में, मका नाव सांग मुझे नाम बताइए उसका, कौन तोरी ऐसा एकलो जो जीवन जाला मरण, कोई तो ऐसा है कि जो मर के जी उठा है, असतलो कौन तोरी ऐसा, कोई तो होगा ना, है क्या कोई, ना श्योर श्योर बोल रहे हैं 100% 100% नहीं है ना, एतो जीवो एक ही जिंदा हुआ है, सदाकाल जीवो सदा के लिए जिंदा है, सदा जीवो अनेक पाचे नाम के लिए, और उसका नाम क्या है, यीशु, हालेलुया हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। ओके लेट्स गो इन द वर्ड, हम लोग वचन में जाएंगे, जॉन 10 यूहन्ना 10 11 उसके 11 वचन में जाएंगे, अच्छा चरवाहा मैं हूँ, अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है, जेजुनु बगोर बगोर तंका सांगतालो आपले शिष्यांग, यीशु बार बार अपने शिष्य को बताता था, हाँ वेता मैं जाता हूँ, आओ संसाराचो नू मैं संसार का नहीं हूँ, आओ स्वर्गीचो मैं स्वर्ग का हूँ, थोड़ा वेळ आओ तुमका दिसती पडतलो, थोड़े समय के लिए मैं तुम्हारे सामने हूँ, मागे तुमका आओ दिसती पडतलो, बाद में मैं आपको
सामने नहीं दिखूंगा आपर्तुन तुमका दिस्ती पोटलो मैं तुमको फिर से दिखाई दूंगा मुंचा चा पुताक मारूंग जाय मनुष्य के पुत्र को मरना है ताने सोसूंग जाय उसको सहना है पुन तीसरा दिशा तो जीवन जातलो तीसरे दिन वो जी उठेगा ओसो जेसु तांका सांगत रावतालो ऐसा यीशु उनको बार बार बोल रहा था एक दिन जेसु ओशे मुंटा एक दिन यीशु ऐसा कहता है रीड इन कोंकणी वर्स 11 हाँ बोरो गोली मेंड्रा पसोत अपलो चीव दीता हालेलुया जेसु किते मुंटा मैं अच्छा चरवाहा हूँ अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है जायते गोली आसात बहुत सारे चरवाहे हैं पुन जेसु मुंटा पर यीशु कहता है हाँ बोरो गोली मैं अच्छा चरवाहा हूँ हाँ बोरो गोली मैं अच्छा चरवाहा हूँ हाँ बोरो गोली मैं सबसे अच्छा चरवाहा हूँ जो बोरो गोली आसा पर जो मैं जो अच्छा चरवाहा हूँ तो अपने मेंढरा पसोत जो अपने भेड़ के लिए जीव देता प्राण देता है मेंढरे बोरे मुंडकाए भेड़ अच्छी है इसलिए नहीं मेंढरे मस्ती कोरी ना भेड़े मस्ती नहीं करते हैं मेंढरे चुको ना भेड़िया गलती नहीं करते हैं आइजाया तो रोशे मुंटा आइजाया इस तरह से कहता है आमी सोगली वी हम सभी लोग मेंढरा बाशे भेड़ की तरह सोड़ी मोड़ी गेलनी इधर उधर भटक रहे थे अपला जाय तो शिवाट डोलो हमें जहाँ चाहिए वहाँ भटक रहे थे आनी बाइबल आम का सांगता पवित्र शास्त्र हमें कहता है आमी पाप की जाऊन करू नहीं हम पापी होने के बावजूद भी जीसु आमचे पासोत मेलो यीशु हमारे लिए मरा आमी जोड़ी मोड़ी गेलनी तेलना पासो हमें तितर बितर हो गए थे तरी फिर भी ते वेलार उस समय भी ओ चरवाहा यीशु चरवाहा आमचे पासोत मेलो हमारे लिए मरा बोरी मुन्नू हम अच्छे हैं इसलिए नहीं हालेलुया हालेलुया समझ बोले तुमका आपको समझ में आ रहा है चिंचात तुम आप लोग ऐसे सोचते होंगे आओ काय पातो कौन ना मैंने तो पाप ही नहीं किया है फोटी मारी ना मैंने तो झूठ नहीं बोला है अबे कोणाचे किते चोरूंग ना मैं हमने किसी का कोई चोरी नहीं किया है मैं अच्छा इंसान हूं बोरो मेंड्रो मैं अच्छी भेड़ हूं पर कोणुच बोरो मेंड्रो ना पर कोई अच्छा भेड़ यहां पर नहीं है तू बोरो जाला झाल्यार आप अगर अच्छी भेड़ हुए हैं तो जेसुन तुका बोरो खेला देखो यीशुन आपने यीशुन ने आपको अच्छा किया है इसलिए जेसु विने यीशु बगैर सगलो काडुक सब कुछ अंधकार है यीशु पितर यीशु के अंदर सगलो सुजवार सब उजियाला है हालेलुया धन्यवाद यीशु तो यीशु मुंडा तो यीशु कहता है बोरो गौड़ी अपने मेंढरा पासोत जीव दीता अच्छा चरवाहा अपने भेड़ों के लिए प्राण देता है थोड़ी वर्ष आदि पहले थोड़े साल पहले आई एक दिस बस इन ट्रैवल जाता ले मैं एक दिन बस में ट्रैवल कर रही थी आणि मुझी एक सवय असलेली मेरी एक आदत थी बसिन जेन्ना एता तेन्ना बस में जब भी मैं आती आऊं देवा लागी मांगता ले मैं परमेश्वर से प्रार्थना करती देवा कौन माका असलो मेंढरो दी कोई तो मुझे ऐसी भेड़ दे दो परमेश्वर जाका हाँ तुझी कबर सांगों शेता जिसको मैं आपके बारे में बता सकूं परमेश्वर मड़गांव तान वेर ना पाऊं मड़गांव से वेर ना पहुंचने तक 15-20 मिनट पूरो 15-20 मिनट लगते हैं पूरा ओशे मुंटा ले मैं ऐसे कहती थी देवा ते ड्राइवर आ संग स्लो ओस मुड़ परमेश्वर उस ड्राइवर को बताइए कि धीरे से चलाएं कितक माका छोड़ भेड़ जाय मेंट्रिया बराबर क्योंकि मुझे भेड़ों के साथ बहुत समय चाहिए परमेश्वर मुझे तोड़ नो आगे उन्नास ले मेरा मुंह कभी चुप नहीं रहता था अभी तक तो नहीं रहता है अरे एक जंटो सो दादलो माका मेवलो एक बुजुर्ग आदमी मुझे मिले मुझे कुशिक बसलो मेरे साइड के सी बगल की सीट में बैठे थे कुशी बाशिन हावे जीसस का टॉपिक काल लो कैसे कैसे ही करके मैंने उसको यीशु के बारे में बताना शुरू किया अनिक ताले माका विचार ले उसने मुझे पूछा जीसु इतलो बरो मुनीस जीसु इतना अच्छा व्यक्ति था कोना कुछ तने वाइट का क्या लो करूंग ना किसी को उसने बुरा नहीं किया था कितक तक मान लो क्यों उसे मरना पड़ा क्यों उसे मारा कितक तक खिड़े मान ले क्यों उसे खिले ठोके गए कितक तक तुम्ही कांट्याचो मुकुट घातलो क्यों उसे कांटों का मुकुट चढ़ाया गया बरे मुंचा कोण असो मारता अच्छे इंसान को कोई ऐसा करता है येच माका तुमचे बरे लागोना येस यही आप लोगों का मुझे अच्छा नहीं लगता है क्रिस्ता धर्माचे माका ए बरे लागोना तुम्ही जेसुक मारलो मन तुमचे लोकांनी क्रिश्चियन लोगों का मुझे यही अच्छा नहीं लगता कि तुमने अपने परमेश्वर को मारा इसलिए मुझे अच्छा नहीं लगता आमचे कितने देव आसात हमारे कितने भगवान है पण आम्ही केन्ना आमचे देवाक मारला पर हमने कभी अपने भगवान को मारा है तुम्ही तुमचे देवाक मारलो तो आपने अपने परमेश्वर को मारा है हालेलुया हालेलुया आता या मुंशा किते सांगपाचे
अब मुझे क्या बताना है इस आदमी को। बस मुझे वेरना इगोजी कड़े पावली। बस वेरना चर्च के पास पहुंच गई। तेन्ना ताने वो प्रश्न विचारलो। तब उसने उस आदमी ने ऐसे एक क्वेश्चन को मुझे पूछा। ताने मतलब भाई आऊं पावलो। उसने मुझे पूछा कि मैं पहुंच गई सिस्टर। आऊं देवता। मैं उतर रहा हूं। हम लोग जीसस तो देवता। यीशु उतर रहे हैं। आवे तक का मुझे फोन नंबर दिलो। मैंने अपना नंबर उसको दिया। आने मतलब अंकल तुझो मका फोन नंबर दी। अंकल आपका नंबर मुझे दीजिए। मकोडे फोन ना मडंग लागलो। उसने कहा मेरे पास फोन नहीं है। मका केना तोरी फोन कर। मुझे कभी तो फोन करो। आज पसंद फोन करूंगा ना। आज तक उन्होंने फोन नहीं किया। पर जीसू की त्याग मेलो। पर जीसू किस लिए मरा? वर्स 17 और 18 सांगता। वचन 17 और 18 कहता है। त्या अंकल आग मका सांगोंग में आऊंगा ना। उस अंकल को बोलने के लिए मुझे वक्त नहीं मिला। पर आज जाए त्या अंकल आंटी बेबी बाबा सिंह आसा। पर आज के दिन के लिए बहुत सारे अंकल आंटी बेबी बाबा यहाँ पे है। तांका हाँ सांगता। आज उनको आज तुम लोगों को मैं बताना चाहती हूं। हालेलुया। वर्स 17। वर्स 17 ऐसे कहता है। 18। पिता इसीलिए मुझसे प्रेम रखता है कि मैं अपना प्राण देता हूँ कि उसे फिर ले लूँ। कोई उसे मुझसे छीनता नहीं, वरना मैं उसे आप ही देता हूँ। मुझे उनके देने का भी अधिकार है और उसे फिर से ले लेने का भी अधिकार है। हालेलुया। हालेलुया। कुंगनी हाँ मुझे जीव देता जीसु असो मुंटा। हाँ मुझे जीव देता यीशु ऐसे कहता है मैं अपना प्राण देता हूँ। आणि उपरांत तो परतून घेता। आओ मजो जीव दिता आणि उपरांत तो हाँ परतून घेता। मैं अपना प्राण देता हूँ और फिर वापस लेता हूँ। देखून बाप मजो मोग करता। कित्याक देव मजो मोग करता? क्योंकि मैं अपना हाँ मजो जीव दिता आणि हाँ तो परतून घेता। मैं अपना प्राण देता हूँ और वापस लेता हूँ। देखून बाप मजो मोग करता। इसीलिए पिता मुझसे प्रेम करता है। फुडे कोण मजो जीव जोमोन काडिना। कोणच मजो जीव जोमोन काडिना। कोणच माका मर्डर करिना। नोबडीज किलिंग मी। हाउच मजो जीव दिता। कोई मुझे मारता नहीं है। कोई मेरा मर्डर नहीं करता है। मैं ही खुद अपनी मर्जी से अपना प्राण देता हूँ। पण आप खुशीन हाँ मजो जीव दिता। वोय मजो जीव दिवक माका पदवी आसा। मजो जीव दिवक माका पदवी आसा। मेरा प्राण देने के लिए मुझे अधिकार है। आणि तो परतून घेऊकुई माका पदवी आसा। आणि तो परतून घेऊकुई माका पदवी आसा। और फिर से वापस लेने का भी अधिकार मुझे है। अंकल तू माका ऐकोता झाल्यार। अंकल आज अगर आप मुझे सुन रहे हो तो आओ तुका सांगता। आता मैं अभी कहना चाहती हूँ आपको। येशु कोणेस मर्डर करूंग ना। येशु को किसी ने नहीं मारा। येशु मुंटा। पर येशु कहता है आउच मोजे जीवित दिता। मैं ही अपना प्राण देता हूँ। आउच मोजे जीवित पोरते घेता। और मैं ही अपना प्राण वापस लेता हूँ। माका ती पदवी दिल्या बापा। मुझे वो अधिकार पिता ने दिया है। आणि जाणा आणि जाणा तू। और आप जानते हैं कित्याक येशु जीव आपलो दिता। क्यों परमेश्वर अपना प्राण देता है? माका जीवित मेळोंग। मुझे जीवन मिलने के लिए। ते काटे ताने सोसले ते मोजे। वो काट का मुकुट उसने सहा मेरे लिए। अपने माथ्यार काट्याचो मुकुट घातलो। अपने माथे पर काटे का मुकुट धारण किया। माका प्रमाणिकपणाचो मुकुट घालूं। मुझे ज्ञान देने के लिए प्रमाणिक करने के लिए। ताने अपनाचेर खिले घेतले। उसने अपने ऊपर खिले लिए। आणि आपल्याक त्या क्रूसार छिटकायलो। और अपने आप को उस क्रूस पर क्रूसेड किया। माका सुटका दियो। मुझे छुड़ाने के लिए। हालेलुया। हालेलुया। अपने फाटी ताने चापका घेतली। अपने अपने पीठ के ऊपर उसने चाबुक लिया। घावे घेतले। घाव लिए। मुझे घावे भरे करूं। मेरा घाव चंगा करने के लिए। तुझे घावे भरे करूं। आप लोगों का घाव चंगा करने के लिए। येशु लोकानी माल लोनु। येशु को किसी ने नहीं मारा। येशु मुंटा माका तुम छानी मारूंग जाइना। येशु मारूंग जाइना। येशु कहता है मुझे किसी ने कोई मुझे मार नहीं सकता। यीशु ने अपना थूक उस अपने ऊपर लिया। लॉस घेतली। अपना सबका शर्म उसने अपने ऊपर लिया। तुका लॉस भोगूक नका म्हणून। आपको लज्जे में नहीं डालने के लिए। कुरसार शराब घेतले। वो क्रूस के ऊपर उसने श्राप लिए। तुझे आणि मोचे शराब पोडूंग जाई देखून। आपका और मेरा श्राप टूटने के लिए। ताची नीत केली। उसका न्याय किया गया। तुका आणि माका नीति मेकणी करूंग जाई देखून। मुझे और आपको न्याय से अलग करने के लिए। हालेलुया। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। हालेलुया। हालेलुया। आर यू नॉट हैप्पी? आज आप खुशहाल नहीं है? येशु एकटोच जाऊन असलो आमका सालवार करूं। येशु अकेला ही था जो हमें बचाने के लिए। आणि ताका चॉइस असलो। और उसके लिए चॉइस भी था। त्याच्यानी करूंग जाताले। उसको करना भी था। ना झाल्यार फाटी सरंग जाताले। ना करना भी था। जसे माझ्या मोड्यान तरळलो।
हालेलुया जन्ना तका दोल्लो तेन्ना तो रोल्लो उसको जब पकड़ा गया वो रोया आणि मुंटा ताजी घाम रक्ता भाषेन वावली और उसकी वो घाम थी वो लहू की तरह बह गई आणि ताणे ओशे मुल्ले बापा और उसने ऐसे कहा पिता जाता झाल्यार हो सके तो जाता झाल्यार हो सके तो ये पात्र मुझे वोइले पोइस काड ये प्याला मुझसे दूर कर पण थोरी पण फिर से भी मोजी खुशी नो बापा मेरा आनंद उसमें नहीं प्रभु खुशी जाऊंगी आपका आनंद पूरा हो का आई ला तुझी खुशी करूं क्योंकि मैं आया हूं आपकी इच्छा पूरी करने के लिए मेरा बाप तुमसे खूब मोह करता मेरा पिता आप लोगों का बहुत प्रेम करता है मोजा बापा से खूब मोह करता मैं अपने पिता का बहुत प्रेम करता हूं कुत्ता चा उतरा आओ ना मुंचो ना इसलिए मैं उसके वचन को ना नहीं कह सकता तारे मखा डालना जो कुत्ता लांच जो करने के लिए उसने मुझे भेजा है उसे मुझे करना ही है हालेलुया हालेलुया बाइबल हमका सांगता पवित्र शास्त्र कहता है जीसस ओवरकेम द वर्ल्ड यीशु ने संसार को जीत लिया है वही नो यीशु संसाराचे जोईत घेतला यीशु ने संसार के ऊपर विजय पाई है जोईत की आप मुझे तू कसले सिचुएशन आचेर तू विन जाता कौन से भी समय पर आप विनिंग होना है कौन सा सिचुएशन पे परिस्थिति कोई भी परिस्थिति में आप विन होते हैं आप विजय पाते हैं कौन सा भी परिस्थिति होने दो हालेलुया हालेलुया कौन सा भी परिस्थिति होने दो किते ते जाओ कसले ते जाओ तो मुंटा की आओ आवे संसाराचे जोईत घेतला परमेश्वर कहता है किसी भी परिस्थिति में हो कोई भी परेशानी हो मैंने संसार के ऊपर जीत पाई है विजय पाई है दोरियान तूफान आईले दरिया तूफान आया तो भी यीशु मुंटा हमें जोईत घेतले यीशु कहता है मैंने विजय प्राप्त की है तांचे काजारक सरो काबार झालो उनके शादी के समय पे दागरस खत्म हो गया आवे जोईत घेतले मैंने विजय पाई है लोका भूख लागलोली जेवण जाय असले लोगों को भूख लगी थी उनको खाना चाहिए था जेवणा जरूरी हावे जोईत घेतले खाने के ऊपर भी मैंने जीत पाई है दुए पीड़े से लोग मोजेशी येताले रोग पीड़ा से दुए हुए लोग मेरे पास आते थे जरूरी हावे जोईत घेतले उनके ऊपर भी मैंने विजय पाई है पेद्रो मालकुत का कान काटलो पेद्रो ने मंकुर का कान काट दिया जरूरी हावे जोईत घेतले उसके ऊपर भी मैंने विजय पाई है कोई वाटेर मका मरण में उताले हालेलुया वाटेर मका मरण में उताले रास्ते पर मुझे मृत्यु मिलती थी एक दिन विधवेचा पुता पुरु मताले एक दिन उस विचित्र विधवा असली ताचा पुता विधवा के पुत्र को ओके एक विधवेचा पुत मेललो एक विधवा का पुत्र मरा था आणि ताका मोर पुरु मताले उसको दफनाने के लिए के जा रहे थे मरण वेता चलन मृत्यु चल के जा रहा है आणि जीवित येता चलन और जीवन पीछे आ रहा है आणि जीवित एक जागर में होता मृत्यु और जीवन एक ही जगह पर मिलते हैं जीवित मुंटा जीवन कहता है आओ जीवो आसो मेरे मैं जीवा मैं जब तक जिंदा हूँ मोर और माखा पसार जाऊंग जाइना मृत्यु मेरे अंदर से नहीं हो सकता जोई क्यों जाइना मृत्यु में विजय नहीं हो सकती अरे जेजु मुंटा यीशु कहता है What? खड़े हो जाओ तू माका रोस्टर में ओलर काय है ना ओले से प्रॉब्लम ना आप मुझे रास्ते पर मिले कोई बड़ी बात नहीं है अनिक मेल लो जीवन जाता और मरा हुआ इंसान जिंदा हो जाता एक है एक दिन जेजु जायरस अच्छा गरन मोरन पड़ेता जायरस के घर में जाकर देखता है अरे गरत ले मोरन हुई माका काइस ओले से फर्क पड़ो ना और घर के मृत्यु भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता जेजु मुंटा उठ चढ़वा जेजु कहता है उठो लड़की अनिक जो चढ़ उठन बस ले और लड़की उठ के खड़ी हो जाती है अनिक एक दिन जेजु और फोड़ान दिसले और एक दिन यीशु को मृत्यु कब्र में दिखाई दिया ते एक दिशा चे मरण जाऊ तो एक दिन का मृत्यु हो एक घोरा चे मरण जाऊ एक घंटे का मरण चार दिशा चे मरण चार दिन का मृत्यु भी हो सकता है यीशु मंटा आओ जोईती मोंता सा यीशु कहता है कि मैं विजयवंत हूं चार दिशा चे मरण चार दिन का मृत्यु था कुसलोली कूड वो खराब हुई बॉडी थी हाचेरुई यीशु ने जोईत घेतले इसके ऊपर भी यीशु ने विजय प्राप्त की यीशु कितना मुंटा साला आई हैव ओवरकम द वर्ल्ड यीशु कहता है कि मैंने संसार को जीत लिया है नाउ यू आर ओवरकमर और आप भी ओवर संसार को जीत सकते हो यू आर ओवरकमर आपने संसार को जीत लिया है आमी बाइबल अन वाचलाम हमने पवित्र शास्त्र में पढ़ा है जेजु काजारा गेलो यीशु शादी में गए थे जेजु डिनर आ गेलो यीशु खाने पर भी गए थे फेस्टा गेलो यीशु यात्रा में भी गए थे पण केन्नास मरना कसोंग ना कभी वो मृत्यु के दिन में नहीं गए गेलो गए थे कभी मरना तो तोर मरना गेलो अगर वो मृत्यु के समय पे गए थे तभी सब इज फ्लॉप सब कुछ अलग हो जाता जी मरना ची सर्विस आसा जो मृत्यु की सर्विस है जी सेलिब्रेशन सर्विस आता वो सेलिब्रेशन में बदल जाती हालेलुया हालेलुया जीसस इज द ओवरकमर यीशु संसार को जीत लिया है जेन्ना जीजू कुर्सा रसलो जिस दिन यीशु क्रूस के ऊपर था
ते चोर आसा ते उपरान मेले पहिलो जेजू मेलो वो चोर थे वो बाद में मरे पहले जेजू मरा कित्याक जीविताच्या आजीरपणान मरण थिंगा येऊंक जायना जेजू की जीवन की उपस्थिति में मृत्यु को कोई अधिकार नहीं है काडो कान उजवाडाचेर जोईत घेऊंक जायना अंधकार को लाइट के ऊपर विजय नहीं प्राप्त कर सकता तू आणि जोर तर तो मेलोला झाल्यार पासून कोणूच अगर कोई भी पहले मरा होता तो भी ताका तुझे मेले कुसलोले कुडीर पासून अधिकार असा आपको आपका खराब बॉडी के ऊपर भी उसको अधिकार है जेसुन मार्ता किते सांगले जेजू ने मार्ता से क्या कहा जॉन 11 में सी जॉन 11 25-27 यीशु ने उनसे कहा पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वहां यदि मर भी जाए तो भी जिएगा और जो कोई जीवित है और मुझ पर विश्वास करता है वहां अनंत काल तक न मरेगा क्योंकि तू इस बात पर विश्वास करती है उसने उससे कहा हाँ हे प्रभु मैं विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर का पुत्र मसीह जो जगत में आने वाला था वह तू ही है कोकनी 25 जेसुन तिका पोर्तिपाल केलो जेसुन मार्ता को ओशे सांगले यीशु ने मार्था से इस तरह से कहा अभी कितने लोग मार्था को पहचानते हैं मार्था को कोई पहचानता है कोबरसा मार्था कौन थी मार्था बाइबल की मार्था मालूम है आप लोगों को बाइबल आन मार्था असलोली ताचो बाव लाजरस मेल्लो असलो बाइबल में एक मार्था थी उसका भाई लाजरस मरा हुआ था आणि 4 दिस तका फोडान घातलेलो और 4 दिन था उसको कब्र में आणि जेसू फोंडाशी आयलो यीशु कब्र के पास आया आणि जेसू आता तका जीवंत करचोस असा यीशु अभी उसे जिंदा करने वाला ही है आणि मार्था ताची बोईन रोटता मार्था और उसकी बहन दोनों रोते हैं आणि जेसू आता मार्था कोशे सांगता और जेजू इस तरह से मार्था से कहता है रोडो नाका मार्था रो मत मार्था आओ किते सांगता ते आइक मैं क्या कहता हूं उसे सुनो वर्स 25 कोंकणी पुनर्जीवनपण आणि जीवित हाऊंच पुनर्जीवनपण आणि जीवित हाऊंच पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ जी कौन मुझे बावार दौड़ता ती मेली जलर जीवी आस्तोली पड़े मार्था देखो मार्था जी कौन मुझे बावार दौड़ता तानी मेले आत जो कोई मुझ पर विश्वास रखते और मरे हैं तुझे बाव लाजरस मुझे बावार दौड़ता आनी तो मेला आपका भाई लाजरस मेरे ऊपर विश्वास रखता था और वो मरा है जलर ही पसंद तो जीवो आस्तोलो फिर भी वो जिंदा रहेगा फुड़े आणि जी कोण जीवी आसा आणि जे तू मारता जे तू आता जीवी आसा देखो मारता अभी आप तो तुम तो जिंदा हो अभी आणि मोजे बाबा दवरता आणि जोर तो तू मोजे बाबा दवरता अगर तुम मुझ पर विश्वास सकती हो मारता ती सासनाक मोरचीना वो कभी नहीं मरेंगे तू ये सत मानता ते का विचारता तो आप ये सच मानती है मारता ऐसा यीशु मारता से पूछता वर्स 27 तिने तका मुटले आता मार्था जेजू कोशे सांगता मार्था यीशु से रिटर्न में कहती है होय सोमिया आउ सत मानता हाँ यीशु मैं सत मानती हूँ संसारात येवचो आसलो तो क्रिस्त देवाचो पुत तो तूच म्हूण म्हाका भावार्थासा हालेलुया हालेलुया कित्याक म्हाका विश्वास आहा म्हणटा ती हांव कित्याक सत मानता संसारान येवचो आसा तो तूच क्रिस्त मसाया सर्वोंडार म्हणून हांव सत मानता यीशु इस तरह से वो मार्था कहती है मैं विश्वास करती हूँ कि मसीहा जो संसार में आने वाला है वह तू ही है ऐसे में विश्वास करती हूँ हालेलुया हालेलुया कितने जना साई बाबा को कहता कितने लोग साई बाबा को जानते हैं साई बाबा खबर आई केला साई बाबा ची साई बाबा को कितने लोग जानते हैं 1 2 3 बच्चे लोग नहीं जानते हैं ओके साई बाबा ने कितने मुटलो ले साई बाबा ने क्या कहा सबका मालिक एक है हालेलुया हाँ धन्यवाद यीशु जलर जेसु साई बाबा ने कितने मुटलो ले सबका मालिक एक है साई बाबा ने क्या कहा था कि सबका मालिक एक है आता मार्ता कितने मुंटा जाना अभी मार्ता क्या कहती है देखो आओ सोत मानता मैं विश्वास करती हूँ संसार आसलो संसार में आने वाला वो है एक मालिक
वह एक मालिक वह मसीहा मसीहा सर्वणदार वो सर्वणदार तो तू मुड़ो ना सत मानता वो आप है मैं सत मानती हूं जी तुझे सत मानता वो जो आपके ऊपर विश्वास करते हैं मेली झाल्यार जीवित उत्तोली वो मरे तो भी जिएंगे आणि जी जीवी आसा वो जो जिंदा है ती केन्नाच मरची ना वो कभी नहीं मरेंगे सासना जीवी उत्तोली अनंत काल तक जीवित रहेंगे हालेलुया हालेलुया आता सबका मालिक कौन है अभी सबका मालिक कौन हुआ उसका नाम क्या है उसका नाम क्या हुआ कौन है उसका नाम क्या है उसका नाम यीशु मसीह यीशु मसीहा सबका मालिक एक है हालेलुया हालेलुया धन्यवाद यीशु क्रिस्तावांचो देव हिंदूचो देव मुस्लिमांचो देव बुद्धिसाचो देव असे ऐकला नु आम्ही हमने सुना है ना क्रिश्चन का मुस्लिम का हिंदू का बुद्ध का सभी का भगवान है कितने लोग सत मानतात असे जायते देव असात म्हणून कितने लोग ये सच मानते हैं कि ऐसे बहुत सारे भगवान है मजो एक देव तुझो एक देव तुझो एक देव असे देव असात ऐसा है क्या उसका तुम्हारा एक भगवान इसका एक भगवान उसका एक भगवान अलग अलग भगवान है क्या असात काय कोई है क्या ऐसा भगवान देवान मुटले परमेश्वर ने कहा हाउ मुनशाक मैं मनुष्य को मोजा सारको कुत्ता मेरे स्वरूप में बनाऊंगा माका देवान मो आपले सारको केला मुझे परमेश्वर ने अपने जैसा बनाया है माका पोयात आप पास्टर को देखिए मुझे देखिए तुका तोर तुझा देवान आपल्या भाषेन केला झाल्यार अगर आपके भगवान ने आपको आपके जैसा बनाया हो तो मुझे भाषेन किद्याक दिसता तो आप मेरे जैसे क्यों दिख रहे हो तुका दोन दोडे आसात माकाय दोन दोडे आसात आपको दो आंखें हैं मुझे भी दो आंखें हैं तुका दोन कान आसात माकाय दोन कान आसात आप लोगों को दो कान है मुझे भी दो कान है मुझे नाक डाकटुले आसात तुझे किद्याक डाकटुले तुझे गडे वडले असंग जाय असले तुझा देवा पाशी छोटी है आपकी नाक क्यों बड़े नहीं आपके भगवान के जैसे क्यों बड़ी नहीं है तुझे गडे पोट मोठे असंग जाय असले तुझा देवा पाशी आपका पोट आपका पेट आपके भगवान के जैसे मोटा होना चाहिए था ना तुझे मोजे मोजे रोगो तांबड़े तुझे घोसले मेरा तो लहू लाल है आपका कैसा है जोर तो तू हॉस्पिटल आसा एक हिंदू मुस्लिम मुनीस जाले क्रिस्तावान तुका रोगो दिउंग जाता वो जाईना अगर आप हॉस्पिटल में है हिंदू मुस्लिम कोई हॉस्पिटल में है तो क्रिश्चियन उसको ब्लड दे सकता है कि नहीं है चले तुका तुका भी मोजे से मान के ला कि तेरे ये ऐसा लगता है कि आप लोगों को भी मेरे भगवान ने ही बनाया है शुरुआत एक देवान आदि में परमेश्वर ने माकड़ाक नु पुण मुनशाक हालेलुया बंदर को नहीं पर इंसान को आपल्या सारको आणि सुरोबाईचो केलो अपने स्वरूप में बनाया सेजारक पडो कोई माकोड दिसता सेजार आजूबाजू में देखो कोई दिख रहा है या बंदर आप लोगों को ना सगलो देवाचो सुरोबाईचो आणि सारको मुनीस दिसता देवान ताका आपल्या भाषेन रोचला वो सबका मालिक एक है वो संसार में आ गया 2000 साल पहले जो आने वाला था 2000 साल पहले जो आने वाला था वो आ गया और परमेश्वर ने हमें अपने स्वरूप में अपने जैसा एक समान सब लोगों को बनाया है तुम्हें गीता वासला झाले राव नको आपने भगवत गीता पढ़ा है जो मैं नहीं जानती पण एक बरो हिंदू शिकलोला मुनीस माका सांगतालो पर एक जो अच्छा पढ़ा हुआ हिंदू था वो मुझे बताता था आमच्या भगवत गीता नोशे बरोइला हमारे भगवत गीता में ऐसे लिखा है एक अखबार छोड़ू घर में साता एक कुंवारी गर्भवती होती है अरे तका एक पुत्र जन्मता और उसको एक बच्चा जन्मता है तो सर्वेश परा देवाचो एकल्याच रचणाराचो देव मुंटा पुत मुंटा और वो परम प्रधान परमेश्वर का अकेला ही पुत्र है आणि तो संसाराची पाप का काटता और वही है वो संसार के पाप को नाश करता है और वही स्वर्ग में जाने का रास्ता जीवित आणि सत जीवन का और सत्य का हालेलुया हालेलुया थैंक यू लॉर्ड धन्यवाद यीशु